नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छोटीस किचन में। आज हम बनाएंगे आलू चाप जो होगी अमेजिंग टेस्ट के साथ हेल्दी भी, क्योंकि हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारा हरा सब्जी और बेसन में तो प्रोटीन होती ही है, हरा सब्जी भी फाइबर का काफ़ी अच्छा सोर्स है। वैसे आलू चाप को भारत में अलग अलग जगह आलू गुंडा और बटाटा बड़ा भी बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये हेल्दी आलू चाप। आलू चाप बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे आलू मसाला। तो इसके लिए मैंने लिया है 6 छोटे साइज का उबला हुआ आलू, इससे 10 आलू चाप बनकर तैयार होगा। इसके साथ हमें चाहिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तड़का लगाने के लिए थोड़ा जीरा और थोड़ा सरसों। वैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो एक चुटकी हींग भी ले सकते हैं। और सूखा मसाला वाला कटोरी में ले लेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगा इसमें चाट मसाला। इससे आलू चाप बहुत टेस्टी बनता है। मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है और अब इसके बाद कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून मूँगफली, 2 टेबल स्पून हरा मटर और यदि आपके पास बीन्स है तो इसे भी आलू चाप में ज़रूर डालें। इससे आलू चाप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने इसे बारीक काट के ले लिया है और अब चलते हैं आलू चाप बनाने की प्रोसेस में। तो इसके लिए हम आलू को रफली मैश कर लेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आलू को उबालते टाइम कुकर में हमें सिर्फ 1 सीटी लगाना है। ज़्यादा उबालने से आलू पेस्ट की तरह बन जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम बस आलू को थोड़ा मोटा मोटा पीस में रखेंगे और अब सभी को थोड़ा भून लेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लिया है। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो तड़का में डालेंगे जीरा और सरसों। यदि हींग डालना है तो यहीं पे आप डाल सकते हो, मैंने थोड़ा करी पत्ता डाला है। और यहीं पर डाल देंगे मूँगफली और इन सबको मीडियम आँच पर भून लेंगे। इन सबको हमें तब तक भूनना है जब तक मूंगफली कुरकुरा ना हो जाए और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। मूंगफली बढ़िया कुरकुरा हो गया है तो इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च। और अब गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए सभी को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें इनको ज़्यादा सॉफ्ट होने तक नहीं पकाना है। और यहीं पर डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट बाद इसमें सूखा मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटा हुआ बीन्स भी डाल दिया और तुरंत ही डाल देंगे इसमें मैश किया हुआ आलू। आलू को भी बढ़िया मिक्स कर लेंगे जिससे सभी मसाला आलू में अच्छे से कोट हो जाए। जैसे ही आलू मिक्स हो जाए इसमें डाल देंगे मटर। मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर लिया है इसलिए सिर्फ धोकर इसे डाल रही हूँ। आप यदि फ्रेश मटर ले रहे हो तो 10 मिनट के लिए पहले इसे उबाल लीजिए और फिर इसमें डाल लें। और बहुत ही स्वादिष्ट मसाला हमारा बनकर तैयार है। इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं और तब तक बना लेते हैं आलू चाप के लिए घोल। घोल बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 चुटकी खाने का सोडा। इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर, इससे आलू चाप में बढ़िया पीला कलर आएगा, और 1/2 टीस्पून नमक। हल्दी पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसमें खाने का सोडा डाला है तो फ्राई करते टाइम इसका कलर लाल हो जाएगा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला घोल बना लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इससे घोल में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। घोल यदि ज़्यादा पतला हो जाए तो इसमें थोड़ा बेसन डालकर परफेक्ट घोल बना सकते हैं। और घोल हमारा बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। चम्मच से गिराने पर कुछ ऐसा गिरना चाहिए घोल हमारा। घोल हमारा बनकर तैयार है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। 10 मिनट बाद आलू चाप फ्राई करने के लिए तैयार है। इसके लिए कढ़ाई में तेल डालकर गैस पे चढ़ा लेंगे और गर्म होने देंगे और तब तक
हम आलू के मसाला को लड्डू की तरह गोल गोल बनाकर रख लेंगे। और यदि आप मेहमान के लिए आलू चाप बना रहे हैं तो यहाँ तक प्रोसेस करके फ्रिज में रख लीजिए, और जैसे ही मेहमान आ जाए आप 5 मिनट में ही आलू चाप फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आलू चाप ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब भी आप खाना चाहे तुरंत फ्रिज से निकाल कर फ्राई कर ले। तेल हमारा गर्म हो चुका है और आलू बॉल्स को एक एक करके घोल में डाल देंगे। और अब तेल को एक बार चेक करके देख लेते हैं। इसके लिए चम्मच से थोड़ा बैटर तेल में डालकर देखेंगे। यदि बैटर तुरंत ही ऊपर आ जाता है और जल्दी से नहीं जल रहा है तो तेल की टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और तुरंत ही डाल देंगे इसमें अपनी डीप की हुई आलू बॉल्स। आलू बॉल्स को डालते ही चम्मच से इसके ऊपर तेल को छिड़कते जाएंगे और फिर पलट पलट कर थोड़ा घुमा घुमा कर फ्राई कर लेंगे। जैसे ही बढ़िया पीला कलर आ जाए इसे तुरंत निकाल लीजिए, नहीं तो फिर इसका कलर ब्राउन होने लगेगा। और ये जो बेसन के छोटे छोटे पकौड़े देख रहे हैं मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए घोल में थोड़ा पतला बनाती हूँ। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो घोल में थोड़ा बेसन मिलाकर गाढ़ा कर सकते हैं। और ये हमारा स्वादिष्ट आलू चाप बनकर तैयार है। इसे आप सॉस या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आलू चाप बनाने का ये प्रोसेस यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। धन्यवाद।